पारिजात को नाइट जास्मिन और हर श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं। ये पौधा अनेक रोगों में काम आता है। इसकी पत्तियां, फूल बहुत से का उपयोग बहुत ही औषधीय कार्यों में लिया जाता है। आइए जानते हैं कि पारिजात किन किन समस्याओं में आप काम ले सकते हैं। रूसी की समस्या में पारिजात के फायदे। अनेक लोग बालों में रूसी की समस्या से परेशान रहते हैं। डैंड्रफ को हटाने के लिए अनेक उपाय भी करते हैं, लेकिन कई बार उचित उपाय नहीं कर पाने के कारण रूसी से निजात नहीं मिलता। आप हर श्रृंगार के फायदे से रूसी को ठीक कर सकते हैं। आप पारिजात का बीज लें, उसका पेस्ट बनाएं, इसे सिर पर लगाएं, इससे डैंड्रफ की परेशानी खत्म होती है। गले के रोग में पारिजात के फायदे। जीभ के पास एक घंटी जैसी छोटा सा मांस का टुकड़ा है, उसे गल सुंडी बोलते हैं। इससे जुड़ी बीमारी हो तो हर श्रृंगार का पौधा लें, इसकी जड़ को चबाएं, इससे गल सुंडी से जुड़े विकार ठीक होते हैं। हर श्रृंगार का पेड़ खांसी करता है, खांसी का इलाज। खांसी के लिए आयुर्वेदिक दवा के रूप में आप पारिजात का पेड़ इस्तेमाल में लाएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। 500 मिलीग्राम पारिजात की छाल का चूर्ण बनाएं, इसका सेवन करने से खांसी ठीक होती है। रक्तस्राव, नाक कान से खून बहना में हर श्रृंगार के फायदे। कुछ लोग को बार बार नाक कान आदि से खून बहता है, ऐसे लोग पारिजात का पेड़ उपयोग में ला सकते हैं। हर श्रृंगार का पौधा ले, इसकी जड़ को मुंह में रखकर चबाएं, इससे नाक कान कंठ आदि से निकलने वाला खून बंद हो जाता है। पेट के कीड़ों की समस्या में हर श्रृंगार के फायदे। बच्चे हो या वयस्क, सभी के कई बार पेट में कीड़े की समस्या हो जाती है। हर श्रृंगार के फायदे इस रोग में मिलते हैं। हर श्रृंगार के पेड़ के ताजे पत्ते तोड़ ले, चीनी के साथ पारिजात के ताजे पत्ते का रस 5 मिलीलीटर सेवन करें, इससे पेट और आंतों में रहने वाले हानिकारक कीड़े खत्म हो जाते हैं। बार बार पेशाब करने की समस्या में पारिजात के लाभ। अगर आप बार बार पेशाब करने की परेशानी से ग्रस्त हैं तो पारिजात का पेड़ लाभ दिलाएगा। पारिजात के पेड़ के तने के पत्ते, जड़ और फूल का काढ़ा बनाएं, इसे 10 से 30 मिली मात्रा में सेवन करें, इससे बार बार पेशाब करने की परेशानी खत्म होती है। पारिजात का पेड़ सुखाता है घाव। हर श्रृंगार के फायदे से घाव ठीक हो सकता है। पारिजात के बीज का पेस्ट बनाएं, इसे सिर की त्वचा पर होने वाले फोड़े फुंसी तथा अन्य सामान्य घाव पर लगाएं, इससे घाव ठीक हो जाता है। हर श्रृंगार का पेड़ डायबिटीज में फ़ायदेमंद। पारिजात का पेड़ डायबिटीज में बहुत लाभदायक होता है। 10 से 30 मिली पारिजात का पत्तों का काढ़ा लें, इसका सेवन करें, इससे डायबिटीज रोग में लाभ होता है। पारिजात का पेड़ देता है तिल्ली रोग में लाभ। पारिजात बेनिफिट इन स्प्लीन डिजॉर्डर इन पारिजात अपामार्ग तथा ताल मखाने के क्षार को तेल में मिलाकर इसका सेवन करने से तिल्ली रोग में लाभ होता है। इसकी मात्रा 125 से 250 मिलीग्राम लें। हर श्रृंगार का पेड़ पहुंचाता है गठिये में लाभ। पारिजात के गुण से गठिया की बीमारी में लाभ ले सकते हैं। पारिजात के जड़ का काढ़ा बनाएं, इसकी 10 से 30 मिली की मात्रा सेवन करें, इससे गठिया में फ़ायदा होता है। हर श्रृंगार के पत्तों को पीस कर गुनगुना करके लेप बना ले, इससे जोड़ों के दर्द पर लेप करने से बहुत फ़ायदा होता है। पारिजात के पत्तों का काढ़ा बनाए, इससे सेकने से भी जोड़ों का दर्द और गठिया आदि में लाभ होता है। दांत की समस्या में हर श्रृंगार के लाभ। दांत में पारिजात के गुण से लाभ लिया जा सकता है। पारिजात के पत्तों को पीस कर रस निकाल ले, इससे दांत वाले अंग पर लगाए, इससे दांत ठीक होता है। त्वचा में हर श्रृंगार के लाभ। पारिजात के पत्तों का काढ़ा एवं पेस्ट बना ले, इसका प्रयोग करने से दांत, खुजली, घाव तथा कुष्ठ रोग आदि त्वचा विकारों में लाभ होता है। गंजेपन की समस्या में हर श्रृंगार से लाभ। आज गंजापन एक आम समस्या बन चुकी है। पुरुष और महिलाएं दोनों गंजेपन की समस्या से परेशान हैं। हर श्रृंगार के बीजों का पेस्ट बना लें, इसे सिर पर लगाएं, इससे गंजेपन की परेशानी में लाभ मिलता है।
तंत्रिका तंत्र विकार में हर श्रृंगार का पेड़ फायदेमंद। तंत्रिका तंत्र विकार में भी पारिजात के गुण से फायदा मिलता है। पारिजात और निर्गुंडी के पत्ते ले पत्तों के बराबर मात्रा होनी चाहिए, इससे काढ़ा बना ले। इस काढ़े को 15 से 30 मिलीग्राम में पीने से तंत्रिका तंत्र से संबंधित दर्द ठीक होता है। आँखों के रोग में पारिजात वृक्ष के लाभ। पारिजात का पेड़ आँखों की बीमारी में भी लाभ देता है। पारिजात के वृक्ष की छाल को कांजी से पीस ले, पीसकर तेल बना ले। इसे आँखों पर लगाने से आँखों के दर्द में लाभ होता है। बेहतर उपाय के लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की परामर्श जरूर लें। पारिजात का पेड़ बुखार ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पारिजात के पेड़ के पत्तों का काढ़ा बना ले। 10 से 30 मिली काढ़े में अदरक का चूर्ण तथा मध मिलाकर सेवन करें। इससे साधारण बुखार सहित बुखार की गंभीर स्थिति में भी लाभ होता है। 5 से 10 मिली हरसिंगार के पत्तों के रस में 1 से 2 ग्राम त्रिकूट चूर्ण मिलाकर सेवन करें। इससे गंभीर बुखार उतर जाता है। पारिजात के उपयोगी भाग। पारिजात के वृक्ष के पत्ते, जड़, तने की छाल, फूल, बीज इत्यादि उपयोग में ली जाती है। पारिजात का जब काढ़ा बनाए तो 15 से 30 मिलीमीटर इसकी मात्रा होती है, और पारिजात का रस अगर पत्तों का निकाले तो 5 मिलीग्राम सेवन करना चाहिए। एक औषधि के रूप में पारिजात हर श्रृंगार से अधिक लाभ लेने के लिए चिकित्सक के अनुसार परामर्श के अनुसार ही उपयोग करें। पारिजात का पेड़ का पौराणिक कथा है कि पारिजात का हिंदू धर्म से विशेष और पवित्र स्थान है। पारिजात के पेड़ का कहा जाता है कि पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और यह देवताओं को मिला था। स्वर्ग में इंद्र ने इसे अपनी वाटिका में रोपा था। पौराणिक मान्यता के अनुसार नरकासुर के वध के पश्चात इंद्र ने कृष्ण को पारिजात का पुष्प भेंट किया, जो उन्होंने देवी रुक्मणी को दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से देव माता अदिति ने चिर यौवन का आशीर्वाद दिया था, लेकिन पारिजात पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मणी भी चिर यौवन हो गई। इसे जानकर सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष लाने की जिद करने लगी। इसके बाद श्री कृष्ण को पारिजात धरती पर लाना पड़ा। पारिजात के फूलों को खास तौर पर लक्ष्मी पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन केवल उन्हीं फूलों का इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाता है। पारिजात के फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं और सुबह होते होते वे सब मुरझा जाते हैं। पारिजात के फूल को भगवान हरि के श्रृंगार और पूजन में भी प्रयोग किया जाता है। पारिजात का वृक्ष आम तौर पर 10 से 15 फीट ऊंचा होता है, लेकिन कहीं कहीं ये 25 से 30 फीट भी होता है।